आज मलाड विधानसभा में हमारे साथ मौजूद हैं बबलू सिद्दीकी जी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडरों में से एक हैं और बहुत काम करते हैं, काम के नाम से जाने जाते हैं। बबलू सिद्दीकी जी, अक्सर जब कांग्रेस का बात आती है तो आपका नाम आता है, क्या कहना चाहते हैं, काफ़ी काम किया है आपने? काम तो जो मैं किया हूँ, ये दिन हमारे मंत्री असलम शेख जी का है। उन्होंने हमको काम करने का निर्देश दिया, हम जो है काम कराए, हमारे नगर सेवकों ने काम किया। जहाँ काम नहीं दिखा, नगर सेवकों को बोला, वो काम नगर सेवकों ने हमारे करके दिए। आपने बोल बता रहे हैं कि आपने नगर सेवकों को से काम के लिए बोला, लेकिन कुछ ऐसे जगहें हैं जैसे कि 7 नंबर का जमजम से होटल से लेके और सेंट मैथ्यू स्कूल के लास्ट तक वो रोड अभी तक तैयार नहीं हुआ है और बहुत सा आज भी नगर में काफ़ी रोड तैयार नहीं हुए हैं, तो वो काम आपने नहीं बोले क्या? नहीं बोला गया, मगर सर ऐसा है कि ये काम का पाइप का काम चालू था, पानी नहीं था। और बदकिस्मती है कि हमारे मंत्री साहब जब से विधायक बने तो आधा मालूनी में पानी नहीं था, आधा मालूनी में उन्होंने पानी पहुंचाने का काम किया और ये पाइप लाइन का काम चालू था, इसके वजह से जो है रोड का काम नहीं हो पाया। अभी हमारा पाइप लाइन का काम कंप्लीट हो गया है और 2 से 2 महीने 3 महीने के अंदर अल्लाह चाहेगा तो ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। अभी काफ़ी और भी काम है जैसे अम्बुजवाड़ी है या फिर जब आपके पूरे मराठ विधानसभा में आपके नगर सेवक आपकी बात सुनते हैं तो काफ़ी जगह पे अभी काम बाकी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं वो काम चालू है सर, देखिए अभी यानी हमारे नगर सेवक का काम ये कमरजहाँ सिद्दीकी ने, आप जाके देखिए 5 नंबर वर्ल्ड में, हर जगह RCC का रोड हो गया है, सब गटर नाली का काम हो गया है। उन्होंने आपके सामने इतना बड़ा स्कूल बना दिया, इतना अच्छा स्कूल मालूनी में बन चुका है। फिर इधर सलमा मैडम है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। स्कूल की बात कर रहे हैं थोड़ा बताइए। ये 7 नंबर का उर्दू स्कूल, 7 नंबर का जो उर्दू जी, और अभी 1 नंबर का काम चालू हुआ है, भूमि पूजन हुआ उसका काम चालू हो चुका है। उसके बाद इधर सलमा मैडम जो हमारी नगर सेवका हैं, उन्होंने हॉस्पिटल का काम चालू कराया, कम्प्लीट होने पर है। फिर 7.5 नंबर से चले जाइए, पूरा ये रोड कैसा था, जाने लायक नहीं था, अभी सब RCC का रोड हो गया, अंदर पूरा कंप्लीट RCC रोड हो गया, गार्डने बन गए, तो काम बहुत किए इन्होंने। 5 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन समझिए 4.5 साल में बहुत काम हुआ। और यही सवाल अम्बुजवाड़ी का, तो अम्बुजवाड़ी में हमारा नगर सेवक नहीं है, नगर सेवक वहाँ शिवसेना का है। आज अम्बुजवाड़ी का हाल बहुत ख़राब है, आप अम्बुजवाड़ी में चल नहीं सकते हैं, आप अम्बुजवाड़ी में कचड़ों का अंबार देखेंगे, अम्बुजवाड़ी में आप जाएंगे तो वहाँ का स्थिति देख के अपने को तकलीफ़ होता है। रही सवाल हमारे मंत्री जी ने बहुत काम किया, जितने ब्लाके किए, जितना ब्लाक हुआ है हमारे मंत्री जी ने लगवा के दिया, वहाँ पे लाइट का काम बोलो, पानी का काम बोलो, सब उन्होंने करके दिया। और अभी जो बची कुची है वो भी हो जाएगा, अभी तो समझ जाइए कि बारिश पीरियड में कोई काम हो नहीं सकता है। ये जूलेसवाड़ी में रोड बनाया गया था वार्ड क्रमांक 33 नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी ने, तो वो रोड मतलब पूरी तरह से बह गया बारिश आने से, तो क्या उसमें क्या प्रॉब्लम था, या मटेरियल का प्रॉब्लम था, ऐसा क्या हुआ? नहीं, नहीं, नहीं। रोड वहाँ का खराब हो गया? मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं थी सर, सर ये ऐसा है कि वो जो पानी अपना ये आजमी नगर से ऐसा ढलान है, जो पानी आता है तो रोड से आता है, और वो जहाँ भी थोड़ा भी अगर खड्डा रहेगा, डामर का ये खासियत है, तो अगर उसके अंदर से पानी घुसेगा तो रोड ख़राब ही हो जाता है, वो डामर रोड है। बड़े बड़े खड्डे हो गए? हम बड़े बड़े होंगे सर, अभी तो हाईवे पे आप देखेंगे जहाँ डामर रहेगा वहाँ बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, वो इतना चालू रोड है। अभी वो RCC का प्रोजेक्ट जो है वो भी पास हो गया, वो भी हमारे ख्याल से 2 महीने के बाद जो है वो भी चालू हो जाएगा। आपने अपने काम बताया, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप असलम भाई के बहुत करीबी हैं और नगर सेवक भी आपके सुनते हैं, तो एक ही असलम भाई ने जीतने से पहले एक बार वादा किया था कि मतलब मैं मौलानी में आने के लिए 7 रास्ते बना दूंगा, आखिरकार वो वादा कब पूरा हुआ? देखिए अभी असलम जी को 2 साल कंप्लीट हुआ है कैबिनेट मंत्री बन के, और हमारे मिनिस्टर साहब 2 साल में समझ जाइए कि 1.5 साल से तो ज़्यादा हो गया कोरोना लग के, तब भी उन्होंने देखिए आप ये 5 नंबर का एक जो है रघुन रोड वाला रास्ता चालू ही कर दिए। रही सवाल अभी ये पट्टे का है, अभी उधर का रोड कंप्लीट नहीं हुआ है, अब वो कंप्लीट होगा तो ये पट्टे का उड़ेगा, ये रोड भी चालू हो जाएगा। तो उन्होंने जो बोले वो कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे कि
15 साल का काम 15 महीने में कर दो तो कहाँ से हो पाएगा। यहाँ तो देखिए हमारे मोदी जी 7 साल से हैं, उन्होंने जितने वादा किए उसमें से एक काम भी नहीं किए, 7 साल में एक भी नहीं किए। इन्होंने तो 15 महीने में बहुत कुछ कर दिया जो दिख रहा है सामने। हम भी मालूनी में 40 साल से रह रहा हूँ। आप बता दीजिए कि जब असलम साहब विधायक नहीं थे, एक भी गार्डन था यहाँ? एक भी गार्डन नहीं था। आज इतनी गार्डने हैं। असलम साहब ने गार्डन बनाया, खेलने के लिए मैदान बना के दिए, बहुत कुछ करके दिए। अब ये सब सामान, ये सब दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है, मगर क्या है कुछ लोग के जो है ना काले चश्मे जो मोदी जी का है वो जब तक उतारेंगे नहीं साम, यानी दिखेगा नहीं। जैसे कि आपने गार्डन का जिक्र किया है, अभी भी जितने गार्डन है उसके हाल जो खस्ता हाल में है, और वहाँ पर लोग बैठते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, और फिर भी वहाँ पर मतलब ये दिन दहाड़े चलता है, सुबह में चलता है, तो इसके ऊपर ये इसके ऊपर कब नियंत्रण सब चाहिए, इसके ऊपर करेंगे? नहीं, नियंत्रण तो किए हैं कई बार, जो है सीनियर को भी बोला गया है, चौकी में भी बोला गया है, उनकी पेट्रोलिंग भी चालू है, और पहले से बहुत कम हुआ है। पहले तो ऐसा था कि यानी 7-8 बजे के बाद तो मालूनी में आतंक मच जाता था, पहले तो ये आलम था, मगर अभी बहुत अच्छा है। अभी आज ऐसा है कि हम यानी कहीं से भी आ रहे हैं और रात को 2 बजे भी अगर हमको रिक्शा पकड़ना है, हम बोल रहे हैं कि हमको मालूनी जाना है, तो बिंदास मालूनी लेके आ रहा है। और पहले तो ऐसा था कि 7 बजे भी मालूनी आने के लिए तो कोई तैयार नहीं था। तो सुधार होने में थोड़ा टाइम जाएगा। आप बोलेंगे एक ही बार सब हो जाए तो नहीं हो पाएगा, लेकिन रही सवाल कि हमारी बहुत अभी काम ऐसी बाकी हैं कि जो लॉकडाउन के हिसाब से पेंटिंग पड़ी हुई हैं, काम नहीं हो पा रहा है। सिद्दीकी जी, जैसे कि आपने बताया कि हॉस्पिटल जो 7 नंबर के टर्न पे है वो एक बिल्डिंग बनी, लेकिन यहाँ पर कई लाख लोग रहते हैं, और अभी कोविड जैसी बीमारी आई थी और हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी, तो हॉस्पिटल क्या एक है वो भी अभी बन रहा है, तो अभी और भी ज़रूरत है, तो वो कब तक होंगे? और अभी आपका जो 27 नंबर में हॉस्पिटल था उसको तोड़ के फिर से जो है नए से निर्माण हो रहा है, बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, ये हॉस्पिटल बन ही रहा है। तो इतने बड़े एरिया में सर दो दो हॉस्पिटल तो बन ही रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। वो भी भाई और चाहिए, वो भी होगा। आबादी बहुत बड़ी है, और आप देखेंगे शाम में या कभी भी देखेंगे हर क्लिनिक फुल रहता है, भरा रहता है, पेशेंट बहुत है, लेकिन यहाँ पर सरकारी अस्पताल एक नहीं के बराबर है, कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है, सब गरीब परेशान है। तो इसका काम फर्स्ट प्रेफरेंस में होना चाहिए, जल्द से जल्द इसका काम होना चाहिए। इसका काम आपको दिखेगा जिस दिन ये केम हॉस्पिटल जो है ये चालू हो जाएगा, तो आपको खुद दिखेगा कि पब्लिक उतना नहीं दिखेगी सर, क्योंकि यहाँ आपके यहाँ हॉस्पिटल कमी नहीं है, यहाँ बहुत चीज़ ऐसे हैं जो कि और मुद्दे हैं, और वो सब सुधारने में सब काम हो ही रहा है। आप बताइए कि जब यानी हमारे MLA मिस्टर असलम शेख साहब जब MLA बने, तो आप जो है रतौड़ी, अनासवाड़ी, आजमी नगर, अम्बुजवाड़ी, यहाँ कहीं पानी नहीं था। उसी हिसाब से बोला मैं कि आधे मालूनी में पानी का बहुत बड़ा परेशानी थी, बहुत बड़ी दिक्कत थी। आज कमोबेश पूरा हो चुका है, खाली ये आजमी नगर का मसला है, वो भी 2 महीने या 3 महीने में हमारा पानी का लाइन कंप्लीट हो गया है, खाली कनेक्शन का बाकी है, 2-3 महीने में वो भी कनेक्शन चालू, क्योंकि बारिश पीरियड में कनेक्शन नहीं होता है, बारिश के बाद कनेक्शन चालू हो जाएगा, तो पानी का सुविधा हो गया, रोड का सुविधा कमोबेश ख़त्म ही हो रहा है, हॉस्पिटल ये श्री सूजा साहब ने तोड़ा था जब वो नगर सेवक बने थे, उसी के बाद ये हॉस्पिटल तोड़ दिया गया था, अब ये जो है जाके बन के कम्प्लीट हुआ है, अभी भी इसमें काम चालू, ये भी समझिए कि 4-6 महीने में हमको लग रहा है कि ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो अपने को सुविधा मिलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं हॉस्पिटल, क्योंकि ये भी टूटा पड़ा है, वो भी टूटा पड़ा है। जो समस्या है वार्ड नंबर 33 में, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, प्रोसीजर चालू है, और ये देखा जाता था कि बनने के बाद कहीं ना कहीं वाटर माफिया, पानी माफिया, ये सब इसके ऊपर मतलब हाथ डाल देते हैं, इसके बारे में नहीं। उन्हीं का तो मेन तकलीफ था, क्योंकि पानी माफिया ही की वजह से बहुत तकलीफ थी भाई। और जो पानी की आप बात बोले, वार्ड नंबर 33 में बहुत ज़ोरों से काम चालू हुआ और बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि ये पहाड़ी था, यहाँ पे पाइप डालने के लिए बड़ी दिक्कतें आई हैं, यानी उसको तोड़ना पड़ा, नीचे पत्थर को कटिंग करना पड़ा, काफ़ी टाइम गया,
इसके वजह से टाइम लगा। अब जब पाइप हमारा कंप्लीट हो गया, बारिश आ गया, बारिश में जो है कनेक्शन नहीं दे सकते हैं। कहीं जो है वीरेंद्र चौधरी साहब इतना मेहनत करके सब करा दिए, अब वो कनेक्शन का रह गया है, उनके ऑफिस पे लोग जाएंगे, फॉर्म जमा करेंगे, वो भी लगता है कि बारिश के बाद कनेक्शन चालू हो जाएगा। और वार्ड नंबर 33 में जितने काम पास हैं ये बारिश के बाद काम चालू हो जाएगा। और वीरेंद्र चौधरी ने तो इतना काम किया क्योंकि वार्ड नंबर 33 जो था बहुत यानी बहुत बड़ा स्लम एरिया था, टोटल स्लम ही था, मतलब पूरा 100% काम ही बाकी था। उन्होंने समझ जाइए 60-70% तो उन्होंने काम कर ही दिया है।